आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुरद्वारा के गांव भरतावाला पहुंची। 1200 वोटों वाले इस गांव की कमान रूप सिंह के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। 4 वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक ठाकुरद्वारा के भरतावाला ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास अब तक करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को लगभग पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक अपने गाँव में करवा दिए हैं? सबसे पहली बात तो हमारा गांव ओडिया को चुका है, सभी के घर पर शौचालय है, बाहर शौच करने के लिए कोई नहीं जाता। और गांव में जहां पे गारा था वहां पे सड़कें बन चुकी है सीसी टाइल्स का रहे अपने। हाँ, लगभग होगा 3-4 किलोमीटर के समथिंग, 3 गांव लगते हैं हमारे, तीनों गाँव में 3-4 किलोमीटर से कार्य आपने अपने कार्यकाल में। जैसे अपने शमशान है या कब्रिस्तान है, इनमें काफी विकास हुआ है। बाउंड्री वगैरह करवाई है? बाउंड्री नहीं, बाउंड्री का इतना बजट नहीं आता है हमारे गांव में, बाउंड्री अभी नहीं। हाँ, सीसी टाइल्स लगवाई है। और गांव में जो स्वच्छता अभियान के तहत कूड़िया थी जी, तो 2-2.5 किलोमीटर तक जेसीबी से कूड़िया भी हटवाई है हमने जी। और लड़कियों की ये जो कूड़ियाँ लग जाती हैं, हमने देखा है अक्सर कई प्रधान लोग अपनी अपने स्तर पर इसकी सफाई करवाते भी हैं, लेकिन 6 महीने बाद दोबारा ये जो है फिर से रिपीट हो जाता है प्रोसीजर, फिर वहाँ पर लोग जो है कूड़ा डालने लग जाते हैं। तो स्वच्छता अभियान चला भी रहे हैं और वो मतलब बेकार भी हो रहा है, ऐसा उसके लिए आपने भी किया है कि ऐसा तो नहीं आपके गाँव में भी ऐसा है कि जहाँ से आपने कूड़िया हटाई वहाँ से दोबारा फिर शुरू हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई हमारे गाँव में जी। जहाँ जो हाईवे से आते हो अंदर, यहाँ पर सब में कूड़िया थी और आज आप जाओगे तो स्वच्छता अभियान को आप पूरी तरह से कारगर कर। हाँ बिल्कुल, लड़कियों के लिए बारात घर भी बनवाया है, लगभग समथिंग 1 एकड़ का, अभी बाउंड्री नहीं हुई है उसकी। आवास मिले हैं आपके गांव में? हाँ, 7 आवास मिले तीनों गांव में। स्कूल पर क्या कार्य कर रहे हैं? स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाए हैं, वो कार्य चल रहा है अभी। और सीसी टाइल्स लगवाई है और पीछे पुताई भी कराई थी और एक आंगनबाड़ी बनवाया। पीछे गत वर्षों से लेकर जो आपके कार्यकाल में रहे हैं, इसमें आपने शिक्षा में बदलाव देखा है अपने स्कूल में? इतना सौंदर्यकरण कराने के बाद में छात्रों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई हो या शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ हो? हाँ, छात्रों की संख्या भी बढ़ी है जब से स्कूल में लाइट फिटिंग कराई है और पंखे लगवाए हैं, बेंचें डलवाई हैं, बच्चे खुश हैं और रोज उन्हें खाना भी मिलता है, मिड डे मील भी सही मिलता है। आप समय समय पर जाकर वहाँ निरीक्षण करते हैं? मैं तो लगभग 3 महीने से वहीं पे हूँ, स्कूल में अच्छा चल रहा है। अच्छा, नहीं वो जाहिर है कि आप एक शिक्षित युवा हैं खुद प्रधान गाँव के, तो शिक्षा की तरफ आपका रुझान होना भी चाहिए और होगा ही। अब अपने गांव में जो आपकी सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल के अलावा बारातघर आपने कहा कि अभी बनवाया है, उसके अलावा क्या यहाँ पंचायत घर है? ना, अभी कोई पंचायत घर। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र अभी बनवाया है। खेल का मैदान भी वही है जो बारातघर है, उसमें बच्चे खेलते रहते हैं, अभी बाउंड्री नहीं है उसकी। अब अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखनी चाहिए? मैं यही मांग रखूंगा, जैसे हमारे गाँव में कोई जगह नहीं है गांव की लड़कियों की शादी के लिए, इसकी बाउंड्री हो जाए और 1-2 कमरे बन जाए वहाँ पे, ताकि आने वाले समय में सही से गांव में शादी हो सके। मतलब बारातघर का कार्य अभी अधूरा है? अधूरा है, आप चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ये कल की जगह है हमारे पास, वो हमने निकलवा ली थी पैमाइश करा दी जी। इसके अलावा और कोई समस्या आपके गाँव में? नहीं, समस्या कुछ नहीं है, पेंशन बन रही है, 1 बार 37 बनवाई, 1 बार 47 बनवाई जी, सब खुश है गाँव में। सांप्रदायिक विवाद वगैरह तो आपके यहाँ ग्राम पंचायत में कुछ नहीं होता? शांतिपूर्वक। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक शिक्षित युवा यहाँ ग्राम के प्रधान बने हैं, तो जाहिर है कि इनके द्वारा आज की पीढ़ी के हिसाब से काफी विकास करवाया ही गया होगा, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य और आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं। शिक्षा की तरफ भी इनका काफी अच्छा रुझान रहा है, स्कूल में काफी सौंदर्यकरण करवाया है और शिक्षा की तरफ भी अच्छा ध्यान इन्होंने दिया है। इसके अलावा यदि यहाँ समस्याओं की तरफ ध्यान दें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ बारात घर जो कि अधूरा निर्मित है, प्रधान जी ने काफी कोशिश करके उसका निर्माण करवाया है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार यदि इनकी मदद करे, धनराशि दे, तो वो इसे पूरी तरह से जो है कारगर कर पाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को और उनकी बेटी शादी वगैरह में काफी मदद मिलेगी। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह।
जी राजन सिंह जी, बताइए 4 वर्ष हो गए हैं प्रधान जी कार्यकाल को, 4 वर्ष में क्या विकास से आप क्या करना चाहोगे विकास से संबंधित? कुछ इन 4 वर्षों में हमारे प्रधान जी ने अच्छा विकास किया, अच्छा किया, पहले की बात जो और प्रधान नहीं कर पाए तो अच्छा हुआ। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई सही तरीके से होती है, किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं, शिकायत नहीं। और जितने भी काम करा रहे हैं उससे बढ़िया हो रहा है।